सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं आज जो रामायण में इस जगह का उल्लेख है, मंदिर है महाकाल का, बहुत बड़ा मंदिर है पोंगेझरा में, जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के गुरेगांव तालुके में है। बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर, और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है वो उसकी मन्नत पूरी होती है। देखिए बहुत बड़े इसमें फैला हुआ है, और मैं आपको पूरी इस जगह की डिटेल बताऊंगा अभी, तो चलिए मेरे साथ। ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी से अंदर से कैसे तो पानी आता है, वो पानी देखिए यहाँ से आके ये पानी इधर आता है। हम आपको पूरी जगह दिखाएंगे अभी यहाँ पे। तो ये जो जगह है, ये यहाँ पे पानी आते पहाड़ी से, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस मंदिर के ट्रस्ट ने यहाँ पे गायमुख बना दिया है, तो हम उसके पास ले चलते हैं हम आपको। ये देखिए गायमुख है, और ये यहाँ कोई भी आता है तो यहाँ पे नहाना करके अपनी मन्नत मांगता है तो मन्नत पूरी होती है, ऐसा माना जाए। यहाँ के जो ट्रस्टी है, पंडित जी है, उन्होंने बताया है कि देखिए मेरा दोस्त, हम दो साथ में आए हैं हम, तो पूरी जो देखिए वहाँ पे आपको रेड लोटस देखेंगे, कमल। यहाँ की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे सबसे यानी हमारे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा मंदिर है ये, और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नत मांगता है पूरी होती है। देखिए और यहाँ पे पहले कुछ साल पहले एक महाराज जी रहते थे, जो यहाँ पे 60-70 साल से ज़्यादा हो गए थे यहाँ पे रहते हैं उनको, तो ऐसे लोग कहते थे कि इस कुटिया में रहते थे, लोग कहते थे कि यहाँ पे जो शेर आता था उनको, उनके पास उनको यानी स्पर्श करके जाता था, उनको कुछ करता नहीं था। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं यार हनुमान जी का मंदिर है, जय बाबा। देखिए पूरे जंगल में बीच जो एक हिरापुर नाम का गांव है बुरुंदा, उसके आगे बीच जंगल में स्थित, बीच जंगल में बना हुआ है ये पोंगेझरा। बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई की है हमारे महाराज जी ने, देखिए ब्रह्मा विष्णु सब है। देखिए यहाँ से नजारा बहुत, यहाँ कुदरती हवा आती है, तो स्वर्ग से हवा जैसे आप बोलते ना, वो हवा यहाँ पे मिलती है, तो बहुत शांत वातावरण, बहुत प्राचीन। जो तीन पीढ़ी थे यानी मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरे दादा, उनके पप्पा हैं, तब से ये मंदिर है, यानी कम से कम इस मंदिर को 100-200 साल से ज़्यादा हो गया, इतना पुराना मंदिर है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो रामायण है उसमें इस जगह का उल्लेख किया गया है, यानी नाम है, इसलिए इस जगह को इस तरफ बनाया गया है। देखिए बहुत ही प्राचीन जगह है, यहाँ पे पेड़ पौधे सब है, और कुदरत की हवा यहाँ आती है, नहीं बहुत शांत वातावरण लगता है, बहुत मस्त। बस इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, हमें भी घर भी जाना है, इसलिए थैंक यू। देखिए गाइस सब यहाँ पे, अगर आपको पिंड दान वगैरह भी करते हैं यहाँ पे, महाराज जी देखिए कमल के फूल बहुत ही बेहतरीन है। और ये तालाब ऐसा है कि कभी आप कभी भी, और
कितना भी उनाला आए, गर्मी यानी जितनी भी हो, तो भी ये तालाब कभी सूखता नहीं, ऐसा माना गया है। कुदरती यानी पानी भी आता, तो वो जो है पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर से कहीं से तो पानी आता है, वो पानी कभी भी यानी बंद नहीं होता, अपने आप ही आता रहता है। देखिए हम आपको भी तालाब के पास जाके दिखाएंगे। ये अभी हम तालाब के पास यानी इस तालाब के पास में आ गए हैं। देखिए ये सब तालाब है, पानी है यहाँ पे बहुत, यानी ज़्यादा पानी नहीं है लेकिन है। बहुत ही शानदार है मंदिर, अगर आप यहाँ पे आके मन्नत मांगते हैं तो यहाँ पे मन्नत पूरी भी होती है। हमने ये फ्लावर तोड़ा है, बहुत मस्त है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। हम इस जगह पे आते हैं इसलिए क्योंकि हमारी मन्नतें भी पूरी हो जाती है, इसलिए इस जगह पे आते। देखिए फ्लावर, बोलो जय श्री महाकाल। हमारे दर्शन हो गए और हम अभी वापस जा रहे हैं। देखिए सब बहुत आनंद आता है, वहाँ पर ऐसा मन तल्लीन हो जाता है, शांत हो जाता है मन अब इस जगह पे आने से। आप भी आइए और पूरे फैमिली के साथ आइए, अगर पिकनिक करना है तो पिकनिक करने भी आ सकते हैं, दर्शन कीजिए। यहाँ पे नहाने की भी सुविधा है, नहाना भी कर सकते हो और पिकनिक के लिए भी यहाँ पे बर्तन वर्तन सब मिल जाते हैं, पीने पानी पीने की सुविधा सब है यहाँ पे। तो आप आइए एक बार देखिए मंदिर को, और महाशिवरात्रि के दिन तो इतना यहाँ पे गजर रहता है, बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पे, पब्लिक कम से कम लाखों में रहती है यहाँ पे, लाखों में पब्लिक आती है। यानी क्यों आती है, क्योंकि उनको पता है कि इस जगह पे ऐसी क्या खासियत है, इसीलिए आते हैं यहाँ पे। आप मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी होती है, ये लोगों को पता है, इसलिए आप एक बार आइए जगह पे, देखिए मंदिर कैसा है, और पूरे फैमिली के साथ भी आइए पिकनिक के लिए, पिकनिक के लिए भी आइए। आपको जैसा एक जो सोच के आना है वो सोच के आ सकते हैं, इसलिए यह वीडियो यहीं तक। टाटा, बाय बाय।